अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको मोबाइल पर जो जूम की एप्लीकेशन है उसके हवाले से बताऊंगा कि आप उसको किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले आपको मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी। आप प्ले स्टोर पर जाकर जूम लिखेंगे तो आपको वहाँ पे बहुत आसानी से जूम ऐप क्लाउड मीटिंग्स के नाम से वहाँ पर आपको मिल जाएगी। क्योंकि मेरे पास डाउनलोड हुई भी है तो इसलिए यहाँ मेरे पास ओपन शो हो रहा है। आप डाउनलोड करेंगे देन अगर आपको फिर मीटिंग का लिंक भेजा जाएगा। अब आपके पास यहाँ पे दो तरीके आते हैं हमारे पास कि हम जूम की मीटिंग किस तरह से अटेंड कर सकते हैं। फर्स्ट तरीके उसका एक तरीका यह है कि आपको लिंक भेजा जाए जूम मीटिंग का, आप उस लिंक के ज़रिए ज्वाइन करें। दूसरा मेथड ये है, तरीका यह है कि आपको मीटिंग आईडी दी जाए और मीटिंग का कोड दिया जाए और आप उसको यूज़ करते हुए मीटिंग में ज्वाइन करें। तो मैं आपको सबसे पहले पहला तरीका बताता हूँ कि पहला तरीके को आपने किस तरह से करना है, जो कि है लिंक के जरिए जूम की मीटिंग ज्वाइन करना। अगर आपको लिंक मौसूल होता है, आप जैसे ही उस लिंक पर क्लिक करेंगे आपकी जूम की एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी। ठीक है, अब चूँकि मेरे पास लिंक नहीं है तो मैं आपको वैसे बता देता हूँ अपने यहाँ से न्यू मीटिंग क्रिएट करके। जैसे ही आपको लिंक मौसूल होगा व्हाट्सएप पर, आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे आपकी जूम की एप्लीकेशन ओपन होगी और आपके पास जो इंटरफेस आएगा इस तरह का आएगा, कनेक्टिंग के हो रही होगी आपकी। ठीक है, ब्लैक स्क्रीन और ऊपर कनेक्टिंग हो रही होगी। जैसे ही कनेक्ट हो, जिससे मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि अगर होस्ट ने वेटिंग रूम एनेबल किया हुआ है तो आपको ऊपर स्क्रीन पर लिखा आएगा, वाइट स्क्रीन आएगी और ऊपर लिखा आएगा प्लीज़ वेट वाइल द होस्ट विल लेट यू इन। अगर वेटिंग रूम एनेबल है तो होस्ट जब तक आपको इन नहीं करेगा आप मीटिंग में ज्वाइन नहीं हो सकते। सेकेंड चीज़, मैंने यहाँ चूँकि सेटिंग कर रखी है इस चीज़ की, तो मेरे पास इसलिए यहाँ पे ये ऑडियो पहले से ही ज्वाइन थी, इसको मैंने यहाँ से लीव किया। अब इसका नुकसान क्या है कि अगर आपकी ऑडियो कनेक्टिंग हुई है, अगर आपको यहाँ पे लेफ़्ट बॉटम में अगर आपको ज्वाइन ऑडियो के नाम से लिखा हुआ आ रहा है, तो इसका मतलब यह है कि ना आपकी आवाज़ किसी और पार्टिसिपेंट को जा रही है ना ही पार्टिसिपेंट की आवाज़ आपको आएगी, इसलिए आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इसलिए आप ऐसा कीजिएगा, जैसे ही आपकी मीटिंग ऑन हो आप इसको इस चीज़ को चेक कर लीजिए कि यहाँ पे आपकी ज्वाइन ऑडियो आ रही है, यहाँ पर माइक्रोफोन आ रहा है। अगर तो आपकी ज्वाइन आईडियो यहाँ पे ज्वाइन ऑडियो आ रहा है तो इस पर क्लिक करें, ऊपर लिखा आएगा कॉल विया ऑडियो डिवाइस ऑडियो, इस पर क्लिक करेंगे तो आपके यहाँ से ऑडियो यूज़ होना स्टार्ट हो जाएगी, यू आर यूजिंग का ऑडियो डिवाइस। ठीक है, अब आप यहाँ पर आसानी से आप दूसरों से बात भी कर सकते हैं, उनकी बात सुन भी सकते हैं। अगर आपने स्क्रीन शेयर करनी है तो ये आपके पास सेंटर में ग्रीन कलर का एरो है शेयर स्क्रीन का, यहाँ से आप स्क्रीन शेयर भी कर सकते हैं। इसकी जो मज़ीद सेटिंग, जैसे मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि होस्ट के लिए जो सेटिंग्स हैं वो कहाँ से होंगी, तो अगर होस्ट मोबाइल से क्रिएट करता है मीटिंग तो वो यहाँ से मोर में जाकर मीटिंग सेटिंग्स में जाकर, तो यहाँ से वो जिस तरह उसमें वेटिंग रूम था, स्क्रीन शेयर था, चैट का ऑप्शन यहाँ पे है, म्यूट अपॉन एंट्री के पार्टिसिपेंट को आते साथ ही वो जैसे ही आए उनका माइक ऑफ हो जाए और उनकी आवाज़ ना आए, तो ये डिपेंड करता है कि जो होस्ट है वो किस तरह की सेटिंग्स चाहता है। अब मैंने बताया था दूसरा तरीका कि अगर आपको दिया जाता है मीटिंग आईडी और पासवर्ड, तो आपने जूम ऐप को ओपन करना है। मैंने बंद की, आपको मीटिंग आईडी मिली और आपको पासवर्ड मिला, आपने जूम एप्लीकेशन ओपन की। ठीक है, जूम एप्लीकेशन जैसे ही आपकी ओपन होती है यहाँ पर ज्वाइन का एक ऑप्शन बना हुआ है, ज्वाइन में जाएंगे आप, यहाँ पे आप मीटिंग आईडी लिखेंगे जो भी आपकी मीटिंग आईडी दी गई है, मैं यहाँ पे सपोज करके कोई लिख रहा हूँ, ज्वाइन मीटिंग करेंगे। अगर तो होस्ट ने पासवर्ड लगा रखा है जो कि अब लाजमी होता है, पहले नहीं था अब लाजमी होता है। ठीक है, तो आप जैसे ही ज्वाइन मीटिंग करेंगे तो उसके बाद आपको यहाँ पे मांगा जाएगा पासवर्ड, पासवर्ड लगाएंगे आपको मीटिंग में एंट्री मिल जाएगी। अगर तो इनेबल नहीं किया गया, अगर वेटिंग रूम इनेबल नहीं है, अगर तो वेटिंग रूम इनेबल है तो फिर आपको जब तक होस्ट लेट इन नहीं करेगा आपका वही स्क्रीन शो करती रहेगी प्लीज़ वेट व्हाइल द होस्ट विल लेट यू इन। और होस्ट पार्टिसिपेंट को किस तरह एडमिट कर सकता है, वो पार्टिसिपेंट में जाएगा, यहाँ पे वो लिखा हुआ रहेगा जो जिसको एडमिट करना है वो ऊपर लिखा हुआ होगा रिक्वेस्ट और एडमिट में, रिक्वेस्ट लिखा हुआ होगा, नाम लिखा हुआ होगा और आगे आ रहा होगा एडमिट, एडमिट पर क्लिक करेगा होस्ट तो वो मीटिंग में एडमिट हो जाएगा। बाकी अगर मज़ीद आपको इस हवाले से कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी आपको परेशानी का सामना करना पेश आए तो आप कमेंट सेक्शन में या आप व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। जज़ाकअल्लाह, अल्लाह हाफिज़।